दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट में बात करूंगा मैं सचिवालय भर्ती 2024 के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हो, क्लर्क एमटीएस और ऑफिसर के पदों पे भर्ती निकली हुई है 12,500। इलेक्शन के बाद में ये पहली भर्ती है सचिवालय रिक्रूटमेंट 2024 की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आपने रिसेंट में हाल ही में 12th क्लास पास कर लिए तो 30 जुलाई 2024 से पहले आप आवेदन कर सकते हो। अंतिम तिथि यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है, सचिवालय विभाग की ये वैकेंसी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हो 12,500 पदों पर ये वैकेंसी कलर ग्रेड सेकेंड ऑफिसर और एमटीएस के पदों पर होने वाली है। ध्यान रखना ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका रिक्वायर्ड जो डीवी में दस्तावेज या फिर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उनके लिस्ट भी यहाँ पे इसमें स्क्रीन पे दिख रही होगी। 10th 12th की मार्कशीट, इसके अलावा जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सारी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, तो इनको तैयार रख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको, 12th क्लास पास अगर आप है तो आप क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑफिसर वाले यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल वाले ऑफिसर के लिए एमटीएस वाले 10th क्लास पास होने अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे अगर आप 12वीं क्लास पास भी हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो, 10th वाले भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कलर के लिए। यहाँ पे वेतनमान क्या रहेगा अभी फिलहाल तो उसकी लिस्ट भी यहाँ पे सामने है। ऑफिसर के लिए 38,000 के करीब, एमटीएस के लिए 18,200 के करीब। और ये जो सैलरी पैकेज दे रखा है ये करंट वर्तमान में 2024 में जो मिल रहा है, वर्तमान में जो लगे हुए लोग उनके आधार पर ही बताया गया है। इसके अलावा 250 और 100 रुपये के साथ में आप 30 जुलाई 2024 से पहले भर दीजिए।